मधु चौहान, माई डेज आर गोइंग रियली वेरी वेल, अच्छे जा रहे हैं। लॉकडाउन में कुकिंग कर रही हूँ। फर्स्ट टाइम आई हैव ट्राइड समथिंग डिफरेंट, मेकिंग बेकिंग केक्स, कुकीज़, खाना बना रही हूँ मेरी मॉम के लिए। इवन माई फेवरेट फिल्म पारस इज़ एक दूजे के लिए, आई लव दैट फिल्म। मेरी पहली भोजपुरी फिल्म थी, बट इट इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। हाय राहुल, थैंक यू सो मच रवि। संजय जी, भोजपुरी की पहली फिल्म मेरी डांस मास्टर थी इंदुमती, पप्पू खन्ना जी की वाइफ। वो चाहती थी, वो उनकी आखिरी ख्वाहिश थी कि मैं भोजपुरी फिल्म करूं। तो पप्पू जी ने मुझे मिलाया था अभय जी से और अनिल जिताब जी से। तो उस तरीके से पहली फिल्म मेरे पास आई थी। आई वॉज़ शुरू में, जेन्युइनली पूछेंगे तो मैं बहुत डरी हुई थी कि भोजपुरी मैं करूं कि नहीं करूं। बट अभय जी से मिलके और अनिल अजिताभ जी से मिलके बहुत अच्छा लगा। बहुत खूबसूरत स्क्रिप्ट थी। और जब मैंने इस इंडस्ट्री में काम किया, मुझे रियलाइज़ हुआ कि लोग गलत कहते हैं कि इस इंडस्ट्री में सिर्फ डबल मीनिंग चीज़ें होती हैं या सिर्फ वल्गर चीज़ें होती हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं इस इंडस्ट्री में पिछले 5 से 6 साल हो गए हैं मुझे। आई हैवन सीन एनी थिंग लाइक दैट। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। बाहर एक लोगों के दिमाग में चीज़ डाल रखी है कि डबल मीनिंग फिल्म्स बनती हैं, वल्गैरिटी, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स आई हैव डन ऑल क्लीन एंड नीट एंड क्लीन फिल्म्स जो आप बैठ के फैमिली के साथ देख सकते हैं। माई बेस्ट मेमोरी अबाउट भोजपुरी सिनेमा, हर मूवी इज़ अ मेमोरी फॉर मी। आई डू वेरी सिलेक्टिव फिल्म्स, जैसे आप लोग जानते हैं, साल में एक फिल्म मैं करती हूँ। तो मैं कोशिश करती हूँ कि अपना 100% उस फिल्म में दूँ। मेमोरीज तो बहुत सारी हैं। मनीष सिन्हा, आई एम गुड। लॉकडाउन में कोई शूटिंग नहीं हो रही। लॉकडाउन मतलब इट्स अ कंप्लीट लॉकडाउन, सब शूटिंग्स बंद हैं, वी ऑल आर होम। संजय जी, भोजपुरी फिल्म जब मैं साइन करती हूँ, मेरे दिमाग में सिर्फ स्क्रिप्ट होती है। अगर अच्छी स्क्रिप्ट होती, मेरा किरदार अच्छा होता है, तो मैं ज़रूर करती हूँ। एंड दैट इज़ द फर्स्ट थिंग इन माई माइंड कि व्हाट एम आई डूइंग। मुझे रेगुलर रोल्स करना पसंद नहीं है। कुछ तो अच्छा होना चाहिए उसके अंदर, तो ही मैं फिल्म करती हूँ। थैंक यू सो मच राकेश, थैंक यू सो मच नीरज। एटीज सॉन्ग्स आर डबल मीनिंग, आई लव 80s का सॉन्ग्स। दीपांशु, माई अपकमिंग फिल्म इज बलम्बा कैसे तेजब, दूल्हा हिंदुस्तानी, रॉबिन हुड पांडे। दिस थ्री फिल्म्स आई थिंक। सैल्यूट टू ऑल हीरोज हु आर फाइटिंग विद कोरोना एंड हेल्पिंग अस टू स्टे सेफ, सीरियसली। फैजान खान, आप मुझे अपनी कसम किस लिए दे रहे हैं? आई कुडन रीड, उसके पहले कुछ गए होंगे आपके मैसेज। आई एम सो सॉरी, मैंने पढ़ा नहीं। थैंक यू मुकेश, थैंक यू जय, थैंक यू मनीष। यस विकास, विकास आई डू योगा ऑल्सो, आई डू मेडिटेशन ऑल्सो। एंड मुझे लगता है सबको योगा करना चाहिए। इट्स अ वेरी गुड थिंग, आपको बहुत काम कर देता है। और ख़ासकर इस सिचुएशन में जब बाहर बहुत क्योस है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, तो योगा करना चाहिए ताकि आप काम रहें और इस सिचुएशन से पैनिक ना होए। क्या हल से चोरी, आई डोंट अंडरस्टैंड। थैंक यू मोहम्मद, ज़रूर आई विल ट्राई इन पंजाबी मूवीज ऑल्सो। सिंह हरविंदर सिंह जी, फेवरेट बॉलीवुड सिंगर फीमेल,
लता जी ऑल टाइम फेवरेट। ओ थैंक यू दीपक, योर फेवरेट मूवी इज दूल्हे राजा। हाय अमरजीत, आगरा कब आ? अभी तो लॉकडाउन में मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। नेक्स्ट 6 मंथ्स आई डोंट थिंक सो आई हैव एनी प्लान्स ऑफ गोइंग एनी वेयर। यस रोहित, आस्क मी, आई एम हियर टू आंसर योर क्वेश्चंस। आप सबके क्वेश्चंस आपके सब सॉरी आप सबके सवालों का जवाब देने ही मैं आज आई हूँ, बिकॉज बहुत कंप्लेन्स थी मैं लाइव नहीं आती, मैं लाइव नहीं आती। सो आई थॉट ऑफ कमिंग लाइव टुडे। थैंक यू मनीष। सारी मूवी देखी है आपने राज? वेरी गुड। सॉरी ब्रजेश, मैंने आपका आगे का मैसेज देखा नहीं होगा, देखूंगी तो जरूर जवाब दूंगी मैं। ठीक हूँ अर्जुन, आप कैसी हैं? थैंक यू मधु, लेट्स डांस। या श्योर, वाई नॉट, डांस करना चाहिए, डांस इज वेरी गुड। आपका आपको मेंटली डिटॉक्स कर देता है इफ यू डांस। रफीक, मैं राजस्थान से हूँ। राहुल, आई हैवन सीन एनी पंजाबी मूवी, सो आई रियली डोंट नो कौन सा पंजाबी गाना फेवरेट है। कोई फिल्म भी नहीं देखी है। थैंक यू भरत। यस यू मस्ट हैव सीन माई मूवी विद खेसारी जी, दैट वॉज खिलाड़ी। थैंक यू, थैंक यू दया। डांसिंग नीरज, सिंगिंग और डांसिंग में? डांसिंग, आई एम अ बैड सिंगर। नीरज, डांसिंग नो सिंगिंग। जीतू मेहर, सिनापाली, नौपाड़ा, उड़ीसा। अजय, आई एम अ बैड सिंगर, प्लीज डोंट आस्क मी टू सिंग। हसीब, यस मैं जिम करती हूँ। मुझे खाने में सादा खाना पसंद है। प्रवीण, घर का खाना पसंद है, मेरी मॉम जो बना दे मुझे वो पसंद है, और अब फिलहाल आजकल मैं कुकिंग कर रही हूँ तो जो मैं बना रही हूँ वो मैं खा रही हूँ। थैंक यू ब्रजेश। एक भोजपुरी सॉन्ग सुना दीजिए 2 लाइन खेसारी जी के। कौन सा गाना? मुझे मैं गा नहीं सकती, आई एम अ वेरी बैड सिंगर। वाह, यू आर फ्रॉम राजस्थान, पधारो मारो देश, मारे देश। राज, कौन सा डायलॉग सुना दूं? मेरी 5 फिल्में संजय जी जो करियर में, मेरी 5 फिल्मों में इट्स वन एक दूजे के लिए, योद्धा, मैंने गिनी चुनी फिल्में की हैं। मैं टोटल मेरे ख्याल से 10 या 11 फिल्में की होंगी, उनमें से 5 एक दूजे के लिए, योद्धा, मातुझे सलाम, जय हिंद एंड गुलामी। असलम में मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट नहीं करती हूँ, आई स्किप माई ब्रेकफास्ट। थैंक यू जॉन। विच स्पोर्ट्स डू आई लाइक टू प्ले? स्पोर्ट्स, आई थिंक तो क्रिकेट। नो कोल्ड ड्रिंक, नो जूस।
संजय जी, मुझे पता है अजय देवगन मेरे पड़ोसी हैं, प्लीज़ बात करवाइए ज़रूर। आई विल बी सो हैप्पी अगर आप उनसे बात करवा के उनके साथ कोई फिल्म करवा दें। मधु, आई एम नॉट इग्नोरिंग योर मैसेज, इट्स लाइक इतने सारे मैसेजेस आ रहे हैं, आई एम रीडिंग एवरी वन। थैंक यू सो मच जयप्रकाश, होपफुली करती रहूँगी भोजपुरी फिल्मों में काम। मैं दिनेश जी के साथ कर रही हूँ, नेक्स्ट फिल्म दूल्हा हिंदुस्तानी आ रही है, उन्हीं के साथ आ रही है। मैम, सबसे बेस्ट, मेरे लिए सबसे बेस्ट हीरो सिर्फ अजय देवगन है। आई रियली लव हिम, ही इज माई फेवरेट। कोरोना के बाद संजय जी शुरू होगा तो आई थिंक सो बहुत केयरफुली हम लोगों को काम शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि ये कोरोना हमें छोड़ के कहीं जाने वाला नहीं है, ये यहाँ रहने के लिए आया है। सो जब तक इसका वैक्सीन नहीं आएगा, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। और मुझे जहाँ तक लगता है वैक्सीन आने में कम से कम 1 साल लग जाएगा, बट शूटिंग्स तो बंद करके नहीं हम घर बैठ सकते। होपफुली जैसे ही गवर्नमेंट देगी परमिशन, हम लोग नेक्स्ट 3-4 महीने में शूटिंग शुरू कर देंगे, बट विद वेरी केयरफुल, सब प्रिकॉशंस लेंगे, मास्क पहनेंगे, एंड वी ऑल आर गोइंग टू बी वेरी वेरी केयरफुल। भोजपुरी इंडस्ट्री में मेरा बेस्ट फ्रेंड कौन है? आई एम वेरी क्लोज टू रिंकू जी एंड संभावना। एक्चुअली ऑल ये लोग तो बहुत क्लोज हैं, आई कीप टॉकिंग टू देम एवरी ऑल्टरनेट डे और एवरी सेकेंड थर्ड डे। काजल इज़ वेरी क्लोज टू मी, लाइक आई हैव ऑल गुड रिलेशनशिप विद एवरी वन, वेदर इट्स काजल, सबके काम किया है काजल, काजल जी, अमरपाली जी, अंजना जी, शुभी जी, सिंस आई हैव वर्कड विद एवरी वन, सो मेरे सबके साथ रिलेशन्स बहुत अच्छे रहते हैं। सचिन तेंदुलकर इज माई फेवरेट क्रिकेटर। जरूर राहुल, इफ आई गेट एन अपॉर्चुनिटी। हम ठीक बानी फ्रॉम चूरू राजस्थान, राजस्थान से होके भोजपुरी बोलता नहीं। अब्दुल, डांस करो, आप करो डांस मेरे लिए। मेरा भी दिन आज बहुत अच्छा हो गया आप लोगों से बात करके, आई एम फीलिंग सो गुड। थैंक यू, थैंक यू अमोल। सिद्धार्थ, कोई गाना? हाय राज, हाय मैम, थैंक यू विशाल। आपका शूटिंग भी चंडीगढ़ और शिमला साइड हुआ तो प्लीज़ जरूर आई लेट यू नो, अगर चंडीगढ़ और शिमला में मेरा शूट हुआ तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। सबसे मुश्किल फिल्म और टफ टफ सीन फॉर मी, आई डोंट थिंक सो ऐसा कोई टफ सीन कुछ हुआ है, बट बलमवा में देर वर फ्यू सीन्स विच वर वेरी डिफिकल्ट। डिफिकल्ट मतलब नॉट एज इफ वैसे डिफिकल्ट, बट क्या होता है कि कुछ कुछ जो सी कुछ कुछ जो रोल्स होते हैं बहुत डिमांड करते हैं फ्रॉम एन एक्टर, एंड बलम्बा का जो मेरा तुलसी का कैरेक्टर इज़ वन ऑफ दैट, बिकॉज वो बहुत सैक्रिफाइजिंग कैरेक्टर दिखाई है फिल्म में। सो उस फिल्म के अंदर देर वर फ्यू सीन्स विच आर डिफिकल्ट टू परफॉर्म, मतलब मेंटली वो बहुत
स्ट्रेसफुल हो जाते थे परफॉर्म करने में. बाकी तो टिल टुडे आज तक कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है कि कोई मुझे ऐसा सीन बहुत डिफिकल्ट लगा. आई एम वेरी लकी कि आई हैव गॉट ऑल गुड डायरेक्टर्स. मेरे डायरेक्टर्स इतने अच्छे रहे हैं कि उन्होंने हर सीन मेरे लिए बहुत ईजी कर दिया है. सो बलमवा में देवर सम फ्यू सीन्स, जबकि रजनीश जी इज़ अ सुपर डायरेक्टर टू वर्क विथ. उन्होंने इतने ईजीली मुझसे पूरी फिल्म में काम कराया है. और बलमवा में एक बहुत डिफरेंट कैरेक्टर मैंने किया है, तो एक डिफरेंट मधु आपको देखने को मिलेगी उसके अंदर. सो दैट देर आई हैव फ्यू सीन्स. थैंक यू सो मच प्रदीप कुमार. निक ने आपके मुझे मेरे दोस्त और मेरे घर वाले मुझे मैडी बोलते हैं. दैट इज़ माई पेट नेम. दैट इज़ लाइक प्यार से सब लोग मुझे मैडी बोलते हैं. अजय बलम्बा जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होगा उसके बाद आएगी. विकास एम ए बैड सिंगर. भोजपुरी गाना क्या, मैं हिंदी गाना ठीक से नहीं गा पाती हूँ. मनीष, मेरी अगली फिल्म का नाम बलम्बा कैसे तेजब है और दूल्हा हिंदुस्तानी. थैंक यू सो मच प्रवीण. मनीष, मेरा होम टाउन राजस्थान है. मुझे खाने में सब कुछ अच्छा लगता है जो भी मेरी मॉम बनाती है. एंड पवन संजय जी, पवन जी के साथ मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है. सबसे ज़्यादा फिल्में मैंने पवन जी के साथ ही की हैं. एंड लोगों को हमारी जोड़ी बहुत पसंद आती है. फ्रॉम माय फर्स्ट फिल्म एक दूजे के लिए, फिर उनके साथ मैंने योद्धा की विच वॉज़ माय फर्स्ट होम प्रोडक्शन. फिर हम लोगों ने माँ तुझे सलाम की, जय हिंद की, एंड वन मोर मूवी आई एम मिसिंग. उनके साथ काफ़ी फिल्में मैंने की हैं एंड उनके साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है. ही इज़ अ वेरी शैतान होते हैं ना वैसे हैं. और हम लोग सेट पे बहुत ही मस्ती करते रहते हैं. मस्ती करते करते हम लोग की शूटिंग ख़त्म हो जाती है एंड उनके साथ काम करने में बहुत मज़ा आता है. तो ही इज़ अ एक्टर जिनके साथ मैं बहुत ही कंफर्टेबल हूँ. एंड फ्रॉम द फर्स्ट फिल्म उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है. सो उनके साथ काम करना मुझे बहुत अच्छा लगता है. और रवि जी के साथ तो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल. ही इज़ अ वेरी वेरी ग्रेट एक्टर. बहुत कंफर्टेबल एज एन एक्टर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है उनके साथ. सो रवि जी के साथ आई हैव डन टू फिल्म्स एंड दोनों फिल्मों में बहुत मज़ा आया उनके साथ काम करके. दिनेश जी इज़ वेरी कंफर्टेबल एक्टर. उनके साथ भी मेरी पहली फिल्म एक दूजे के लिए में थे एंड ही हैड मेड उन्होंने मुझे इतना कंफर्टेबल कर दिया था शूटिंग के दौरान कि मुझे लगा ही नहीं कि मैं किसी अननोन लैंग्वेज में, जो जिस जिस लैंग्वेज को मैं जानती नहीं उसमें मैं काम कर रही हूँ. उसके बाद देन आई डिड गुलामी विथ हिम, दूल्हे राजा विथ हिम, एंड नाउ आई एम डूइंग दूल्हा हिंदुस्तानी. तो उनके साथ भी कम्फर्ट लेवल बहुत अच्छा है. अभी एक फिल्म मैं कर रही हूँ रितेश जी के साथ एंड ही इज़ ऑल्सो अ वेरी ग्रेट एक्टर. तो मेरा इक्वेशन हर एक्टर के साथ बहुत अच्छा रहा है. मैं सबके साथ बहुत कंफर्टेबल फील करती हूँ.
खेसारी जी के साथ काम करके बहुत मज़ा आता है. एक उनका कॉमेडी टाइमिंग बहुत डिफरेंट है, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है. खिलाड़ी में लोगों को हमारी जोड़ी बहुत पसंद आई थी. उसके बाद लोगों ने मुझे बहुत बोला खेसारी जी के साथ फिल्म क्यों नहीं कर रहे, खेसारी जी के साथ फिल्म क्यों नहीं कर रहे हो. पर कोई ऐसी स्क्रिप्ट आई नहीं थी जिसमें मैं उनके साथ काम कर पाती. फिर जैसे ही बलम्बा मेरे पास आई, मैंने फटक से वो फिल्म कर ली. बिकॉज क्या होता है कि वापस एक जोड़ी को रिपीट होने के लिए कोई ऐसी फिल्म आनी चाहिए जो लोगों को पसंद आए. फिल्मों पे फिल्में करती रहूं पर उसकी कोई वैल्यू नहीं रही, कोई मतलब नहीं है. मेरा अगर कैरेक्टर ही अच्छा नहीं हो, फ़ायदा नहीं. जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, मैं कोई भी फिल्म करती हूं तो मैं पहले अपना रोल देखती हूं कि मेरे कैरेक्टर में कितनी क्षमता है परफॉर्मेंस के लिए, और मैं क्या पब्लिक के लिए अच्छा और कुछ डिफरेंट कर सकूँ. तो इसके लिए मैं कम फिल्में करती हूँ, साल में एक फिल्म करती हूँ. जो कि सब कंप्लेन करते रहते हैं कि आप साल में एक फिल्म क्यों करती हैं, ज़्यादा काम कर रही है, अच्छा लगता है. बट मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकती. आई नीड समथिंग नाइस. मैं चाहती हूँ कि मैं वही फिल्में करूँ जिससे जितने लोग देखें दे फील प्राउड कि हाँ, इसने कुछ किया तो अच्छा किया. रितेश जी के साथ रॉबिन रॉबिन हुड पांडे आ रही है, जिसके गाने हम शूट कर चुके हैं. एंड लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद हम शूटिंग शुरू करेंगे. प्रवीण केसारी जी के साथ डांस करना बहुत अच्छा लगता है. वो खुद बहुत अच्छे डांसर हैं, तो उनके साथ डांस करना बहुत ही कंफर्टेबल फील होता है. एंड आई रिमेम्बर मुझे खिलाड़ी के दौरान उन्होंने अपना जो उनका एक हिप मूवमेंट का लोगों को बहुत पसंद आता जो मूवमेंट है वो उन्होंने सिखाया था. And he's a very nice person. Thank you, Brijesh. एक एक्ट्रेस ने कहा भोजपुरी हीरोइन की मार्केट वैल्यू नहीं है, आपकी राय? ऐसा कुछ नहीं है कि भोजपुरी हीरोइन की मार्केट वैल्यू नहीं है, बिल्कुल नहीं. मैं उस चीज़ से बिल्कुल आई डोंट एग्री विद इट. भोजपुरी हीरोइंस की एक अपनी वैल्यू है. कोई भी फिल्म बिना हीरोइंस के कंप्लीट नहीं होती. एंड हर एक हीरोइन का एक अपना वैल्यू है. कुछ कुछ हीरोइंस हैं जो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ कैरेक्टर में फिट हो सकती. हो सकता है वो मैं नहीं कर सकती, जो चीज़ मैं कर सकती हूँ कोई और नहीं कर सकती. तो हर इंसान का एक अपना एक्टिंग का और एक उनकी एक अपनी अलग वैल्यू है. मार्केट वैल्यू हीरोइन की नहीं हो, ऐसे हो ही नहीं सकता. शरद, मुझे अपनी सबसे बेस्ट मूवी कौन सी लगती है? एक दूजे के लिए तो एनी टाइम मेरी फेवरेट ही है, बिकॉज वो मेरी पहली भोजपुरी फिल्म थी. एंड दैट कैरेक्टर ऑफ नंदिनी विल ऑलवेज रिमेन विथ मी. वो मेरा हमेशा लाइफ टाइम फेवरेट रहेगा. बाकी नाउ बलम्बा में जो तुलसी का कैरेक्टर है, दैट इज़ माई फेवरेट. मुनिंदर पाल जी, डोनेशन करने के बाद आप किसी को बताना नहीं चाहिए, बिकॉज आई बिलीव चैरिटी करने चैरिटी किसी को बताई नहीं जाती. चैरिटी का ढिंढोरा नहीं पीटा जाता. कबीर सिंह केसारी जी लेकर आ रहे हैं, इसमें आप होंगी? आई रियली डोंट नो, मुझे नहीं पता. अभी तक तो जो मेरी आने वाली फिल्में हैं उसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया है, उसके आगे कुछ अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है. थैंक यू सो मच ठाकुर. चलिए, अभी टाइम हो गया मेरे जाने का. एंड प्लीज़ आप लोग अपना ध्यान रखिए, लॉकडाउन का पूरा पालन कीजिए, मास्क पहनिए, अपने हाथों को समय समय पर धोते रहिए, सैनिटाइज़र यूज़ कीजिए. सैनिटाइज़र नहीं मिले तो साबुन है, साबुन से आप अपने हाथ धो सकते हैं. अपना ख्याल रखिए, अपने रिश्तेदारों का, अपने परिवार का, सबका ध्यान रखिए. अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, अच्छा साधारण भोजन खाइए, और प्लीज़ अपनी तबीयत का ख्याल रखिए, और सोशल डिस्टेंसिंग को ज़रूर फॉलो कीजिए. प्लीज़
ऐसे नहीं कि जाके रोड पे निकल गए हैं और आप भीड़ भड़के में जा रहे हैं, वो बिल्कुल मत कीजिए, अपना ख्याल रखिए। आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच, जल्द लाइव वाइफ वापस आऊँगी, थैंक यू, बाय, लव यू ऑल।